जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि कुछ प्रोग्राम्स हैं उनको सर बना भी दें और समझा भी दें। क्वेश्चन था, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज है उसको हमने प्रिंट करना है, 1 -4 7 -10 13 -16 up to -40 हमने मूव करना है। अब इस सीरीज के अंदर अगर हम सबसे कॉमन चीज देखें तो वो ये कि सबसे पहले इसकी लर्निंग, इनमें डिफरेंस कितना है। 1 से 4 माइनस साइन को फिलहाल इग्नोर कर दीजिए। 1 से 4 3 का डिफरेंस, 4 से 7 3 का डिफरेंस, 7 से 10 3 का डिफरेंस, आगे 10 से 13 3 का डिफरेंस। 3 का डिफरेंस करते हुए हम जा रहे हैं तो -40। इट मीन्स जो सबसे कॉमन है वो इनका डिफरेंस आपस में। सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम का स्टार्टर ले लूं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main एंड द वॉइड। ये मैं लास्ट लेक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर बता चुका हूं, तो आप उसी स्ट्रक्चर से इसको देख सकते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज क्या कर रही हैं, हेडर फाइल्स क्या कर रही हैं, लाइब्रेरी नेम क्या है, ये डॉट एच इसकी एक्सटेंशन, वॉइड मेन, वॉइड फंक्शन। उसके बाद मैं अपने एक्चुअल प्रोग्राम की तरफ आ रहा हूं। अब एक्चुअल प्रोग्राम में हमारे पास क्या चीज है, सबसे पहले डिक्लेयर कीजिए इंटीजर एन, एक वेरिएबल एन को डिक्लेयर कीजिए। उसके बाद मैं एक लूपिंग स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, फॉर लूप, फॉर एन इक्वल, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग नंबर 1 है, एन इक्वल 1, एन इज लेस देन और इक्वल टू, कहां तक जा रहा है हमारा एन, 40 तक, एन इक्वल एन। अब यहां पर हमारे पास इंक्रीमेंट कितने वैल्यूज का है, 3 का, एन इक्वल एन प्लस 3। अब ये क्या करेगा, तीन तीन वैल्यूज का इकट्ठा इंक्रीमेंट हमें देना स्टार्ट कर देगा। फॉर लूप में आके मैं सबसे पहले प्रिंट एफ परसेंट डी एंड एन, एन को डिक्लेयर कर दिया, एन की वर्किंग स्टार्ट कर दी। इसकी वर्किंग के साथ यहां पर मैं बैकस्लैश टी दे रहा हूं ताकि इसको टैब स्पेस मिलना स्टार्ट हो जाए और ये अपनी वर्किंग तेज कर, आगे हमारे पास टैब स्पेसेस देना स्टार्ट कर दे, एन हमारे पास वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। अब इसके फौरन बाद, मैं क्या करूंगा, अगेन इंक्रीमेंट दूंगा एन इक्वल एन प्लस 3 का। इंक्रीमेंट देने के बाद अगेन प्रिंट कीजिए, प्रिंट एफ परसेंट बी एंड एन बैकस्लैश टी। अब हमारा प्रोग्राम चलेगा 1 से, 1 को प्रिंट किया, फिर 3 का इंक्रीमेंट, फिर 4 प्रिंट किया, 4 प्रिंट करने के बाद फिर वापस आएगा 3 का इंक्रीमेंट, फिर 7 प्रिंट कर देगा, फिर 10। लेकिन यहां पर एक छोटा सा इशू यह है कि यहां पर हमारे पास माइनस साइन भी साथ में आ रहा है, तो इसको दो दफा प्रिंट करवाने का मकसद ही ये था, एक दफा पॉजिटिव में प्रिंट करवाएगा, एक दफा नेगेटिव में। अगर एट एक्चुअल इस प्रोग्राम को हम देखें तो यहां पर ये नेगेटिव साइन नेगेटिव नंबर को तो शो कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सेम सीक्वेंस के साथ चलता आ रहा है, जिसका मतलब अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर के साथ सिर्फ एक माइनस साइन को अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, वो हमारे पास नेगेटिव के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। गेट CH और हमारा प्रोग्राम क्लोज। यहां तक अगर किसी भी चीज की समझ ना आई हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप YouTube की इसी वीडियो के अंदर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।